नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास का 8वां अध्याय इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, गांवों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और आज हम इस वीडियो में शहरों में होने वाली गतिविधियों और वहां के लोगों के कार्यों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा शिल्प और शिल्पकार अरिका मेडू नामक नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, और अंत में रोमन साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नगर यानी शहर अनेक गतिविधियों का केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नगर महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके कई कारण होते हैं, और इसके उदाहरण के रूप में हम लेते हैं मथुरा नामक शहर को। ये मथुरा नगर है, ये 2500 साल तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा। लगभग 2500 साल तक ये मथुरा नामक स्थान है वो महत्वपूर्ण नगर रहा, और इसका कारण था ये यातायात व व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। जैसे मान लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप में मथुरा जो शहर है ये इसी स्थान पर था, और यह है उत्तर पश्चिम से आने वाले लोग यानी यातायात और व्यापार जो पूर्व की ओर जाना चाहते हैं। पहला मार्ग था उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा मार्ग था उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर ये मथुरा नगर है, व्यापार और यातायात दोनों ही दृष्टि से इन दोनों मार्गों के बीच में आता है, जिसकी वजह से इस नगर का 2500 साल तक महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस शहर के चारों ओर किले बंदी थे, इसमें अनेक मंदिर थे, अनेक मंदिर। किसान और पशुपालक इन शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा मूर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र। ये जो मथुरा नामक शहर था वो किलेबंदी कर रखी थी, उसके अलावा अनेक मंदिर स्थित है इस नगर में, और मूर्तियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मथुरा जाना जाता था। यह एक धार्मिक केंद्र था, मथुरा एक धार्मिक केंद्र था जहाँ पर बौद्ध धर्म, बौद्ध विहार, जैन मंदिर व कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा दो यातायात और व्यापार के लिए प्रमुख था, उसके अलावा किलेबंदी कर रखी थी, मूर्तियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, उसके अलावा यह धार्मिक केंद्र भी था जहाँ पर बौद्ध विहार, जैन मंदिर व कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। इस स्थान पर प्रस्तर खंड व मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा नामक स्थान पर अनेक प्रकार के पत्रखंड और मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं, और इन अभिलेखों में मंदिरों में दिए गए दान का उल्लेख है। ये अभिलेख, जितने भी अभिलेख मिले उनमें
मंदिरों में दिए गए दान का उल्लेख किया गया है। प्राय शहरों में राजा रानी अधिकारी व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मथुरा के इन अभिलेखों में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वाले, वालों में इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं शिल्प व शिल्पकार के बारे में। शिल्प एवं शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के पतले एवं सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये मिट्टी के पतले सुंदर जो बर्तन मिले हैं इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। इसका कारण है ये ज्यादातर उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तरी शब्द आने का मुख्य कारण है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ये ज़्यादातर मिले हैं, और काले रंग के होने के कारण काला शब्द आ गया, और ये जो कलर है ये चमकदार कलर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तरी काले चमकीले पात्र। यह एक कठोर चाक द्वारा निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। उत्तरी काले चमकीले पात्र कठोर चाक द्वारा निर्मित धातु की तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। इन पात्रों को बनाने के लिए कुमार भट्टी में उच्च तापमान पर इनको पकाते, जिसके कारण इनकी बाहरी सतह वो काली हो जाती है। उसके बाद इन पर काली पतली लेप भी लगाई जाती है, जो इस बर्तन को शीशे जैसा चमकदार बना देती थी। बर्तनों के अलावा अन्य शिल्प के अवशेष ज्यादा समय होने के कारण नहीं बचे हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ा उत्पादन महत्वपूर्ण था, और कपड़ा उत्पादन में उत्तर में वाराणसी व दक्षिण में मदुरै महत्वपूर्ण स्थान थे, और इन स्थानों पर कपड़ा बनाने का कार्य स्त्री व पुरुष दोनों ही करते। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने व्यवसाय के अनुसार संघ बनाते, जिन्हें श्रेणी कहा जाता। ये जो शिल्पकार थे, शिल्पकारों की श्रेणी का कार्य
काम का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण करना होता था। शिल्पकारों की जो श्रेणी थी वे लोगों को काम का प्रशिक्षण देते, उसके अलावा कच्चा माल उपलब्ध करवाते और जो तैयार माल था उसको वितरण करने का काम करते। और व्यापारियों की जो श्रेणी थी उनका काम था व्यापार का संचालन करना। श्रेणियां बैंक के रूप में भी कार्य करती थी। लोग इसमें पैसे जमा करती थी। और ये जो जमा धन था इसका उपयोग निवेश के लिए किया जाता था। जब ये निवेश करते तो लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को और कुछ मठ आदि धार्मिक स्थलों को दिया जाता था। इस प्रकार ये श्रेणियां हैं वो बैंक का काम भी करती, लोगों से जमा प्राप्त करती और उस जमा का निवेश करते, और निवेश से जो लाभ प्राप्त होता है उसका कुछ हिस्सा तो जमा करने वाले को दे दिया जाता और कुछ हिस्सा मठ आदि धार्मिक स्थलों को दिया जाता। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण के अंतर्गत अरिकामेडु नामक स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको वर्तमान में पुडुचेरी या पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले यह एक पतन था। पतन यानी बंदरगाह, जहाँ पर समुद्री जहाजों द्वारा लाए गए सामान को उतारा जाता है या सामान को जहाजों में भरा जाता है, उसको पतन कहा जाता है और सामान्य भाषा में हम उसको बंदरगाह कहते हैं। इसी स्थान पर इंटो का बना एक ढांचा प्राप्त हुआ है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। इस पतन के पास एक ईंटों का बना ढांचा प्राप्त हुआ है जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई गोदाम रहा होगा। और अरिकामेडु नामक स्थान पर, यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। पात्र यानी बर्तन। इस स्थान पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे बर्तन मिले या पात्र मिले। इन पात्रों में शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और इन पात्रों में पकड़ने के लिए दोनों तरफ हत्थे भी लगे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। ये जो एरेटाइन है ये इटली का एक नगर था, इटली का शहर। इस शहर के नाम के आधार पर इन बर्तनों को एरेटाइन नाम से जाना जाता था। कुछ बर्तन
इससे भी मिले हैं जिनकी बनावट रोम की थी, लेकिन वे यही बनाए जाते थे। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले जिनकी बनावट तो रोम के बर्तनों जैसी थी, लेकिन इनको यही बनाया जाता। रोम से आयात नहीं किए गए, भारत में ही बनाए जाते, लेकिन बनावट थी वो रोम के बर्तनों जैसी। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। इसके अलावा इस स्थान पर छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः रंगाई के पात्र होंगे। ये जो कुंड है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रंगाई कपड़े की रंगाई के लिए काम में ले जाने वाले बर्तन होंगे। शीशे व अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाए जाने के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे, इसलिए उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलें।